हासिल किया आपने 426 अंक 10वीं परीक्षा में। कंग्रेचुलेशंस मनोज को बधाई, हमारे सभी मेधावी छात्रों को ढेर सारी उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। अगला कहते हैं कामयाबी तो सबको बहुत चमकदार दिखता है, लेकिन इस कामयाबी के पीछे का रास्ता शायद उतना आसान नहीं होता। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग काफ़ी बढ़िया होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी काफ़ी बढ़िया से और लगन के साथ कर रहे होंगे। आज की इस नए वीडियो में आपका भाई, आपका प्यारा दोस्त, आपके सर बताने वाले हैं कि बोर्ड परीक्षा में अक्टूबर से तैयारी कैसे करें, बोर्ड परीक्षा के लिए अक्टूबर से तैयारी करके क्या बोर्ड परीक्षा में अच्छा खासा नंबर प्राप्त किया जा सकता है, क्या बोर्ड परीक्षा अक्टूबर से तैयारी करके बोर्ड परीक्षा में हम टॉप आ सकते हैं, ये सभी बातें मैं बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत खास है, आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। और इसमें हमारा अक्टूबर बैच क्या है, जो अक्टूबर से 27 तारीख से चलने वाला है, इसमें फ्री में क्या दिए जाएंगे, ये सभी बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगा बारी बारी से। सबसे पहले मैं बात करूंगा टॉपर। हर किसी का सपना होता है कि बोर्ड परीक्षा में मैं टॉप करूं, मैं बोर्ड परीक्षा में टॉप करूं और अच्छा खासा नंबर भी प्राप्त करूं। देखिए अभी आपके पास अभी 140 दिन बचा हुआ है और 140 दिन में आप अगर सोच रहे हैं कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें, तो इसका भी समाधान है, ये मैं वीडियो में बताऊँगा। आप ऐसा फॉलो करेंगे तो बोर्ड परीक्षा में अक्टूबर से तैयारी करके आप बोर्ड परीक्षा में अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। आप कभी सोचे होंगे कि आखिर एक टॉपर कैसे पढ़ाई करता है कि वो बोर्ड परीक्षा में टॉप कर जाता है, आप पीछे क्यों रह जाते हैं। आप अक्सर देखे होंगे अपने गांव देहात में कोई स्टूडेंट 3 महीने भी पढ़ाई करके बोर्ड परीक्षा में अच्छा खासा नंबर प्राप्त कर लेता है, और कई स्टूडेंट सालों से तैयारी करके बोर्ड परीक्षा में अच्छा खासा नंबर प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो सबसे बड़का इसके पीछे का राज है आपका प्लानिंग कैसा था, आप प्लानिंग के साथ कैसे फॉलो कर रहे थे। एक टॉपर के भी यही बात होता है, उसका प्लानिंग। एक टॉपर किसी भी एग्ज़ाम में, एक टॉपर से पूछा गया कि किसी भी एग्ज़ाम में टॉप करने का सबसे बड़का मुद्दा क्या है, तो उन्होंने बताया कि आपका सबसे बड़का प्लानिंग, 3 बातें बताई उन्होंने। सबसे बड़का आपका प्लानिंग कैसा है, आप उसको कैसे फॉलो करते हैं यानी कैसे मैनेज करते हैं, जो भी प्लान बनाए हैं आप, जैसे बनाए होंगे टारगेट अपना रखे होंगे कि बोर्ड परीक्षा में मुझे 80% नंबर प्राप्त करना है, 85% नंबर प्राप्त करना है, ये आपका टारगेट है या प्लानिंग है, उसके बाद उसको कैसे फॉलो करते होंगे दूसरा बात। और तीसरा बात उन्होंने बताया था कि आप टाइम फिक्स करने के बजाय आप अपना टॉपिक फिक्स कीजिए कि हम यहाँ से यहाँ तक आज टॉपिक को क्लियर कर देंगे। तो यही सबसे बड़का बुंदा होता है किसी भी एग्ज़ाम में टॉप करने के लिए। देखिए टॉपर जो बनेगा, आप टॉपर जो बनेगा उसके भी 2 हाथ है, 2 आँख है और आपके इतना ही दिमाग है 1450 ग्राम का, लेकिन वो टॉप क्यों करेगा, उसके पास क्या यूनिक बातें हैं, आपके पास क्या यूनिक बातें नहीं हैं, देखिए मैं बताऊँगा आप लोग सीखने का। देखिए टॉपर का सबसे बड़ा सीक्रेट होता है कि वो छोटे टॉपिक पर अपना मजबूत पकड़ बनाते हैं। तो यदि आप भी छोटे टॉपिक पर अपना मजबूत पकड़ बना लेते हैं तो आप भी टॉपर से कम नहीं होंगे बोर्ड परीक्षा 2022 में। देखिए कहा जाता है कि बूंदे से तालाब भर जाता है, तो उसी प्रकार छोटे टॉपिक पर कर आप बोर्ड परीक्षा में बड़े सवाल को भी सोल्व कर सकते हैं, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। और सबसे बड़का बात होता है कि बोर्ड परीक्षा में टॉप करने के लिए आपको एकदम 16 घंटा पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं होता है। आपका प्लानिंग कैसा है और उस प्लानिंग को कैसे फॉलो कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है। तो आइए देखते हैं कि अक्टूबर से आखिर बोर्ड परीक्षा का तैयारी कैसे करते हैं और कौन कौन से टिप्स हैं, वो सभी मैं बातें आपके साथ शेयर करता हूँ बारी बारी से। देखिए अभी आपके पास टोटल 140 दिन बचा हुआ है आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए और 12th वालों के लिए 100 दिन बचा हुआ है, तो ये 10th वाले के लिए है। सबसे पहले इसमें मैं बात बताऊँगा, अगर आप सेल्फ स्टडीज से फॉलो करना चाहते हैं तो आपके लिए इतना बातें मैं लेकर आया हूं। सबसे पहले कि 100 दिन में तैयारी कैसे करें, इतने बड़े सिलेबस की 100 दिन में तैयारी कैसे किया जा सके। तो देखिए सबसे पहले मैं बात कहूंगा आपसे कि NCERT पढ़कर आप शॉर्ट नोट्स बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा, इससे आपका सभी टॉपिक और सभी चैप्टर समाप्त हो सकते हैं शॉर्ट नोट्स में। यदि आप पूरा PhD करना चाहते हैं तो आप एक सब्जेक्ट लेकर पढ़िए, 10 महीने तक पढ़ते रहिए, खत्म
नहीं होगा। आपको थोड़ा जो आपके बोर्ड परीक्षा में ज़रूरत है वही पढ़ना है और वही शॉर्ट्स नोट्स में आपको ऐड करना है और उसे याद करना है। एक दिन में एक चैप्टर पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी का वो साइंस हो चाहे वो सोशल साइंस हो, और उसका शॉर्ट्स नोट्स तैयार कर लीजिए आप यदि सेल्फ स्टडी से करना चाहते हैं। तो पहला हमारा टिप्स क्लियर हुआ कि एनसीईआरटी पढ़कर शॉर्ट्स नोट्स बनाने का प्रयास करें। अब भाई शॉर्ट्स नोट्स कैसे बनाइएगा आप? तो शॉर्ट्स नोट्स जो आप देखे होंगे कि किसी चैप्टर का स्मरणीय तथ्य दिया जाता है लास्ट पेज में, वही उसका शॉर्ट्स नोट्स कहलाता है। तो उसको भी आप अध्ययन कर लेते हैं, अच्छी तरह से याद कर लेते हैं, तो उससे बाहर प्रश्न नहीं जाते हैं, क्योंकि उसमें सभी निचोड़ दिया जाता है। जो भी अच्छा अच्छा तथ्य रहता है, नोट्स रहता है, वो सभी स्मरणीय तथ्य में शामिल कर दिया जाता है चैप्टर के लास्ट इंड वाले पेज में, आप देख सकते हैं। और दूसरा बात है, इसमें आपको क्वेश्चन बैंक ले लेना है। क्वेश्चन बैंक लेने से आपको क्या बात होगा, सबसे पहले मैं इसमें चलता हूँ लेकर यहाँ के कि पढ़ते समय महत्वपूर्ण बातें, जब आप शॉर्ट्स नोट्स कर लीजिएगा तो जब पढ़ने जाइएगा तो उस समय सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि शॉर्ट्स नोट्स का अध्ययन करना होगा। क्या करना होगा? शॉर्ट्स नोट्स का अध्ययन करना होगा। उसके बाद टारगेट ए में और टारगेट बी में आपको ऑब्जेक्टिव लगाना होगा। ऑब्जेक्टिव लगाना क्यों लगाना होगा? क्योंकि जब आपका शॉर्ट्स नोट तैयार कर लीजिएगा, उसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, अध्ययन कर लीजिएगा, तो आपका बेस तैयार हो जाएगा। और जब बेस तैयार है तो आप जितना भी बिल्डिंग बनाते चल जाइए ऊपर, ऑब्जेक्टिव भी बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, सब्जेक्टिव भी कर दीजिएगा जब आप शॉर्ट्स नोट्स रिवीजन कीजिएगा तब। अब देखिए दूसरा बात है कि क्वेश्चन बैंक से सेट ए सेट में ऑब्जेक्टिव करें। क्वेश्चन बैंक से जितने भी प्रीवियस में प्रश्न पूछे गए हैं उसे आप कर लीजिए, जितने सेट बनाकर एक सेट में, दो सेट में, तीन सेट में, चार सेट में सेट बना लीजिए और सब सेट को एकदम कर दीजिए। एक सेट में ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, आपका पहला टारगेट होना चाहिए कि एक सेट में हम ऑब्जेक्टिव कर देंगे और दूसरा सेट में यानी सेट बी में सब्जेक्टिव रखिए। और सब्जेक्टिव इसका भी दो टाइम रखिए, ऑब्जेक्टिव शाम को कीजिए या तो सुबह में कीजिए, और सब्जेक्टिव को सुबह में कीजिए या तो ऑब्जेक्टिव को शाम में कीजिए, इसका भी दो आपका टारगेट होना चाहिए। उसके बाद है इसमें कि सेट प्रैक्टिस आपको एक दिन में दो करना है। मान लीजिए पहला सेट आप सोशल साइंस कर रहे हैं तो सोशल साइंस कर लीजिए और एक साइंस का कर लीजिए, उसके बाद किसी दिन इंग्लिश का कर लीजिए, किसी दिन हिंदी का कर लीजिए, यानी एक दिन में दो गो सेट प्रैक्टिस आपको करना होगा अगर आप भी अक्टूबर से तैयारी करना चाहते हैं तो। और तीसरा चौथा बात है इसमें टाइम टेबल फॉलो करना है। मैंने पहले ही बताया है कि टाइम टेबल फॉलो कीजिएगा आप बोर्ड परीक्षा में तो ज़रूर अच्छा खासा। मैं खुद आज टाइम टेबल फॉलो करता हूँ, ये हमारा टाइम टेबल का लिस्ट है, आप देख सकते हैं हम क्या क्या करना है, हमें ये सब मैं लिख कर रखता हूँ, हमारा क्या टाइम टेबल है, क्या समय पर क्या करना है, किस समय पर कितना पढ़ाई करना है, ये सभी बातें मैं लिख कर यहाँ पे रखता हूँ, ये देख सकते हैं ये हमारा टाइम टेबल है। ठीक, उसके बाद है कि स्टडी मतलब रिवीजन होता है। देखिए जितना ज़्यादा आप रिवीजन कीजिएगा, जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा वही आपको बोर्ड परीक्षा में विजयी कराने वाले हैं और बोर्ड परीक्षा में टॉप कराने वाले हैं। रिवीजन स्टडी का मतलब ही होता है रिवीजन। आप जो एक दिन में पढ़े उसको शाम को रिवीजन कर जाइए, पूरा सप्ताह में पढ़े तो सप्ताह के एंड में रिवीजन कर लीजिए, पूरे महीना में जो पढ़े हुए हैं महीना के लास्ट में रिवीजन कर लीजिए, यही टॉपर का सबसे बड़ा सीक्रेट होता है। अब मैं खुद ऐसा करते आ रहा हूँ और आज भी करता हूँ, सबसे बड़ा बात। उसके बाद जब आप तैयारी कर लीजिएगा 100 दिन में नोट्स बनाइएगा तो 40 दिन आपके पास बचेगा केवल रिवीजन करने का। जितना पढ़ाई किए रहिएगा, जितना पढ़ाई किए रहिएगा उसको एक बार फिर से रिवीजन कर जाइए, सब को एकदम दोहरा जाइए 40 दिन में। 40 दिन में आप आराम से दोहरा सकते हैं यदि आपका बेस क्लियर है शॉर्ट नोट्स के सहारे तो कर सकते हैं। उसके बाद आपका बचेगा लास्ट मंथ में जब ऑफिशियल मॉडल पेपर आएगा, मॉडल पेपर बोर्ड के द्वारा, तो उसको सॉल्व कर जाइए, क्योंकि मॉडल पेपर से भी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अगर सेल्फ स्टडी से करना चाहते हैं अक्टूबर से तैयारी तक कैसे करेंगे एकदम शॉर्ट्स में। और उसके बाद अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप हमारा डेली 27 अक्टूबर से टारगेट बैच शुरू हो रहा है। टारगेट बैच में आपको मिलेगा शॉर्ट्स नोट्स, एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, उसके बाद PVS के VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न और VVI सब्जेक्टिव प्रश्न भी कराए जाएंगे और टेलीग्राम के माध्यम से हो सके तो नोट्स भी दिए जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही खास है, यदि आप फॉलो करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक मिलते हैं इसके अगले वीडियो को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।